सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइस। दोस्तों कैसे दोस्तों सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है अच्छे रहेंगे। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अगर गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये आपको सभी को मालूम है, आज के जो है डेट में सभी जो है गूगल पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक फ्यूचर के बारे में बताऊँगा, अगर आप यहाँ पर गूगल पे में अगर मल्टीपल अकाउंट आप ऐड करके रखे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है पर्सनल अकाउंट ही एक बैंक से अनदर बैंक को आपको जो है मनी कैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स इस वीडियो में आज आपको जो है बताने वाला हूँ गाइस। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको जो है मैं बताऊँगा, वीडियो के साथ रहिए। और रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम गूगल पे पहले ओपन करते हैं, ओके। तो गूगल पे ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ जो इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सेल्फ ट्रांसफर, ओके। आपको क्या करना है, सेल्फ ट्रांसफ़र के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ ट्रांसफ़र पे जाना है, यहाँ पे। उसके बाद आपका दो तीन बैंक आप यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ओके। अभी मुझे ये स्टेट बैंक से HDFC इसमें ट्रांसफ़र करना है, इस अकाउंट से स्टेट बैंक से अपना अकाउंट जो फॉर्म अकाउंट से माइनस होगा और टू अकाउंट में क्रेडिट होगा, ओके। तो अभी आप चाहते हैं आपका जो है इस अकाउंट से आपको स्टेट बैंक आना है, ओके। अभी हम अपोजिट कर रहे हैं और इस अकाउंट से अभी आपको कोटक से मैं लेके आऊँगा स्टेट बैंक, ओके। फ्रॉम अकाउंट कोटक टू स्टेट बैंक करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अमाउंट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अमाउंट अभी फ़िलहाल 300 डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र नाउ, उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट थोड़ा आपको वेट कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट आपका OTP मांगेगा, तो फटाफट हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम OTP अभी डाल चुके हैं और यहाँ पे राइट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद जो है आपका अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र 300 रुपीज़ हो चुका है, ओके। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, मैसेज भी मुझे आ गया। तो ऐसा कुछ जो है अपना वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। कुछ भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय।